साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट साइंस क्लास में। आज हम आपको लेके आए हैं कक्षा दसवीं त्रैमासिक का पेपर जो अभी हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव के डाउट क्लियर कर लो आप लोग, सभी लोग हम इसके ऑब्जेक्टिव के आंसर लाएं, ठीक है। सभी लोग अपना डाउट क्लियर कर लेना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बैंड आपको सब्सक्राइब करने में बस थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। हम कितनी देर से वीडियो बनाते हैं और इसको एडिट भी करना पड़ता है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उनका भी डाउट क्लियर हो सके। तो अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पर। सही विकल्प चुनिए। पहला 12 और 15 का एचसीएफ होगा। इसका सही आंसर है 3, क्योंकि इसमें 3 का दोनों में भाग चला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि द्विघात बहुपद ax2 + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर है सी नंबर 3। यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 तो रैखिक समीकरण योग में a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c = 0 का कौन सा हल होगा। इसका सही आंसर होगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। यदि द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 है, जीरो के मूल समान हो तो समीकरण विविधीकर का मान होगा। इसका राइट आंसर है 0, इसका मतलब ए। यदि ab = 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा। इसका राइट आंसर है c -77 -77। 200 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी 16:81। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट √2 एक हाईस्थान संख्या है। इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या है। सेकंड, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या हाईस्थान होती है। इसका राइट आंसर है 2। समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान खालिस्तान होगा। इसका राइट आंसर है 5 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक समीकरण px = 0 जहां px^2 का बहुपद हो खालिस्तान समीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर है द्विघाती समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि abc समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का खालिस्तान कहते हैं। इसका सही आंसर है समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 6, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाईस्थान होती हैं। इसका सही आंसर होगा समानुपाती होती हैं, ठीक है गाइस। तो फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, जैसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहला 9 और 27 का LCM होगा। इसका सही आंसर है 27। रैखिक बहुपद की घात, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वन। x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 हो तो y = -, इसका राइट आंसर है e -3/2। 4, द्विघात समीकरण x²-1 = 0 के मूल है तो इसका आंसर होगा f (1 और -1)। 5, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका राइट आंसर होगा an = a + n - d। भाई ये तो लाइन से है, सभी वर्ग हैं। इसका राइट आंसर होगा समरूप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्राकृति कैसी होगी। इसका सही राइट आंसर है काल्पनिक या भिन्न होगी, ठीक है गाइस। तो आते हैं हम सेकंड पर। समांतर श्रेणी 4, 6, 8 का 40 पदों की संख्या बताइए। इसका सही आंसर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 3, क्या भुजाओं 6 cm, 8 cm एवं 10 cm से निरूपित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। हाँ होगा, इसका राइट आंसर है हाँ। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। ये तो भाई बहुत ही सरल है, सबने कर दिया होगा। इसका आंसर है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
इसको हमने लिख दिया है, इसमें नहीं बना तो फटाफट देख लेना ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट की जाए। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु ए A2 और B3-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इसका राइट आंसर है 2 और 3। इसको हम सॉल्व करके सभी ने कर लिया होगा वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4-3, 2-3 तथा -3-5 हैं, उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे? इसका राइट आंसर है 1 और 5/3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, सत्य लिखिए। पहला, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सत्य। AX+B=0 एक द्विघात समीकरण है, ये तो सभी को पता होगा, असत्य। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम साथ दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। सही, इसका राइट आंसर है सत्य। चौथा, किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। इसका राइट आंसर है असत्य, ये गलत है। पांचवा, यदि किसी बिंदु पी के निर्देशांक 2 और 5 हों तो 5 को पी का भुज कहते हैं। इसका राइट आंसर है असत्य। क्वेश्चन क्रमांक 6, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी √x2+y2 है। इसका राइट आंसर होगा सत्य। आपके डाउट हो गए होंगे सभी क्लियर, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। हमको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में कुछ ही समय लगेगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको नेक्स्ट पेपर का वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।